एमपी की सबसे लंबी रेल टनल 3.33 किलोमीटर की इस सुरंग में लगेंगे 50 सीसीटीवी। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एमपी की सबसे लंबी रेल सुरंग बनकर तैयार है। इसके दोनों ओर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम बाकी है। 3.33 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की सुरक्षा हाईटेक होगी। यह कई मायनों में प्रदेश की ऐसी पहली सुरंग है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल बनकर तैयार है। 3.33 किलोमीटर लंबी सुरंग रीवा के गोविंदगढ़ में छुईया घाटी को काट कर बनाई गई है। सुरंग रीवा और सीधी के बीच ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर है। 10 किलोमीटर की घुमावदार चढ़ाई वाले रास्ते को रेलवे ने टनल बनाकर 3.33 किलोमीटर में समेट दिया है, यानी इस टनल से 7 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। सुरंग के एक तरफ रीवा का गोविंदगढ़ तो दूसरी तरफ सीधी जिले का बघवार है। सुरंग के अंदर 50 से ज्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें अलग अलग तरह की 50 से 100 हाई लाइट्स भी लगाई जाएंगे। एहतियात के तौर पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए गए हैं। यदि रेलगाड़ी सुरंग के अंदर रुक जाएगी तो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट का मैसेज जाएगा। साथ ही जगह जगह पर अलाउंसमेंट की भी व्यवस्था की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO राहुल श्रीवास्तव कहते हैं कि रीवा जिले के सिंगरौली से रेल लाइन द्वारा जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना में गोविंदगढ़ स्थित चुहिया घाटी पर बने रेलवे सुरंग एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इनके बनने से सड़क मार्ग का दबाव कम होगा, समय की बचत होगी, साथ ही रेलवे के माल भाड़े का आवागमन भी सुगम होगा। रीवा सीधी के बीच नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बनने वाले गोविंदगढ़ बघवार स्टेशनों के बीच 3338 मीटर लंबाई की ब्रॉडगेज सिंगल लाइन और अंडरग्राउंड रेलवे टनल का निर्माण पूरा हो गया है। रेलवे लाइन पर ट्रेन चलने से लोडिंग वाहनों का दबाव कम हो जाएगा, अधिकतर परिवहन मालगाड़ियों से होने लगेंगे। सुरंग को मजबूती देने के लिए अतिरिक्त रॉक बॉल्ट लगाए गए हैं। इस निर्माण में इंजीनियरिंग के अलावा भौगोलिक संरचना को भी ध्यान में रखा गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा सीधी सिंगरौली की इस 165 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को साल 2022 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रीवा सीधी सिंगरौली के इस रेलवे लाइन में बांसा के बाद सीधी जिले का पहला रेलवे स्टेशन रघुनाथपुर रहेगा। बांसा और रघुनाथपुर के बाद रामपुर ने चुरहट और इसके बाद सीधी रेलवे स्टेशन तक सफर इस मार्ग से किया जा सकेगा। पश्चिम मध्य रेलवे की महत्वाकांक्षी ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य छुईया घाटी के इस सुरंग का ही निर्माण करना है। इसका आदेश मई 2017 में जारी हुआ था। जमीन संबंधी अड़चनों को दूर करने में 6 माह लग गया। इस रेलवे लाइन से सीधी जिले के 51 गांव प्रभावित हुए। कंपनी ने जून 2018 में काम शुरू किया था। बने रहे खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद।